हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में आज कुछ सीखेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, और ये एनवायरनमेंट जो है इससे प्रीलिम्स में भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं और साथ साथ मेंस में भी इससे पूछे जाते हैं, और ख़ास करके इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसलिए आज हम लोग जो सीखने का प्लानिंग किए हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट है। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं। तो मैंने इस एनवायरनमेंट को डिफाइन करने के लिए मैंने एक प्लांट का रेफरेंस लिया है। मैं इस प्लांट के थ्रू मैं एनवायरनमेंट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट ऑफ दिस प्लांट। ये जो यहाँ पे प्लांट दिख रहा है इसका एनवायरनमेंट क्या है, और इसी चीज़ से हमें अपना आंसर ढूंढना है। इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा, अच्छी तरह से आप खुद डिफाइन करने लगेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, ऐसे सिर्फ डिफिनेशन याद करने से ये बच्ची वाली क्लास है नहीं। तो अब ये देखिए, ये बता रहा है कि ईच थिंग विच या फिर दैट सराउंड टू दिस प्लांट, ठीक है। जो भी चीज इस प्लांट को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, मतलब इसको घेरने का काम कर रहा है, मतलब इसके सराउंडिंग में जितने भी चीज लाइज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझे तो मैं इसको बताऊं, सराउंडिंग का मतलब जैसे यहाँ पे क्या क्या सराउंड कर रहा है, तो इसके तरफ एनिमल है, फिर यहाँ पे ह्यूमंस है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इंसेक्ट है, फिर इधर होम वगैरह होंगे और भी, मतलब ये प्लांट को ये सब क्या कर रहा है, घेरने का काम कर रहा है। ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब सराउंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी मतलब इसको सराउंड कर रहा है, ठीक है, जो भी इस प्लांट को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे ह्यूमंस है, कोई यहाँ पे एनिमल आ गया, कोई इस तरह से इंसेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मतलब चारों तरफ से इसको क्या कर रहा है, सब सराउंड करने का काम कर रहा है। तो जो भी चीज़ सराउंड करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो एक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो ऑल थिंग्स आर अंडर दियर एनवायरनमेंट। तो जितने भी चीज हैं यहाँ पे, ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कैट, डॉग, ये गार्डन, फॉरेस्ट, ट्रीज, हाउस, बिल्डिंग, टेबल, फैन, टेबल, चेयर, जितना भी चीज़ है मतलब इसको क्या कर रहा है, सराउंड करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एनवायरनमेंट में आ गए, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी चीज़ हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से सराउंड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो इसका, इस प्लांट का एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये प्लांट के लिए सारे चीज़ क्या हो गए, एनवायरनमेंट हो गए। तो एनवायरनमेंट का सिंपल वो चीज़ है कि ऑल थिंग्स दैट सराउंड, जो कुछ भी क्या करता है, वट एवर थिंग्स या विच सराउंड अस, जो हमें क्या करता है, सराउंड करता है, वो क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। जिस तरह से यहाँ पे सराउंड करने वाला इस प्लांट के लिए क्या है, यहाँ पे ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो ये सारे इस प्लांट का क्या हो गए, तो एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ऑल थिंग्स आर अंडर दियर एनवायरनमेंट, तो ये सारे चीज़
इस प्लांट के इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। तो एनी इंडिविजुअल या फिर मेनी थिंग्स आर नियर अबाउट है, यहाँ पे छूट चुका है यू, तो अबाउट टू दियर सराउंडिंग, ठीक है, जो इसके मतलब नियर अबाउट, जैसे प्लांट है तो प्लांट के नज़दीक में कोई ह्यूमंस बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे कोई कैट हो गया, कोई डॉग हो गया, कोई, फिर यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इसके नियर अबाउट में, यहाँ का जो ह्यूमिडिटी होगा, फिर इस पे कोई इंसेक्ट होगा, मतलब इसके नियर अबाउट में जितने भी चीज़ होंगे और जो इसको सराउंड करते हैं, तो ये सारे इसके नज़दीक वाले जितने भी चीज़ हैं ये सारे इसका क्या हो जाएंगे, तो इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये सारे इन्वायरमेंट हो जाएंगे। तो दिस इन्वायरमेंट फॉर्म फ्रॉम लाइव पीपल या फिर इंडिविजुअल, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये किस चीज़ से बन रहा है, तो या तो कोई लोग हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, या फिर एनी इंडिविजुअल, कैट, डॉग, ये इस तरह की चीज़, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, ये लाइफ का मतलब जिसमें लाइफ हो, मतलब लिविंग जो है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट को सिर्फ लिविंग थिंग ही सराउंड कर रहा है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग भी होता है। तो इसलिए मैं ये आगे वाली यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है क्या कि और फॉर्म्ड फ्रॉम सच दैट आर नॉट लाइफ, मतलब जो कि जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, चाहे तो जिसमें लाइफ है वो इसको सराउंड करे, चाहे तो जिसमें लाइफ नहीं है वो सराउंड करे, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसका हो गया इन्वायरमेंट। तो इस तरह से इन्वायरमेंट का डिफिनेशन क्या मिलता है हम लोगों को कि वट एवर थिंग्स दैट सराउंड, जो कि क्या करता है, सराउंड करता है, वो घेरता है, मतलब उसके नियर अबाउट में लाइज करते हैं, घेरने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि इसको चारों तरफ से बॉन्ड कर दिया, नहीं, बस सिर्फ बोलने के लिए ऐसे, तो इसको सराउंड ही कर रहा है, मतलब घेर ही रहा है एक तरह से, ठीक है। तो जो कुछ भी क्या करता है, सराउंड करता है, वही इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें सराउंडिंग में जो एलिमेंट होगा वो लिविंग भी होगा और नॉन लिविंग भी होगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में हम लोग देख रहे थे क्या कि ह्यूमन हो गया, फिर इंसेक्ट हो गया, फिर प्लांट हो गया, ये सब लिविंग चीज़ था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ यहाँ पे होता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो अब मैंने यहाँ पे बस आपको बस ये पिक्चर के थ्रू ताकि ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ को ऐड किया है, और ये सिर्फ डिफिनीशन ही बन के नहीं रह जाए, माइंड में इसके बारे में फिगर भी बनना चाहिए। तो ये देखिए एक प्लांट है, ये प्लांट के नियर अबाउट में ह्यूमंस है, फिर यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब जो एयर में मॉइस्चर होता है वो एक नॉन लिविंग फैक्टर हो गया, ये नॉन लिविंग चीज़ है। फिर इस तरह से इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं जो कि प्लांट के लीफ पे बैठे होते हैं या फिर इधर उधर उड़ता रहता है इसके नियर अबाउट में, और टेम्परेचर कितनी हॉटनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस उस प्लांट के नियर अबाउट, तो ये भी एक नॉन लिविंग फैक्टर हो गया। और एनिमल्स में चाहे तो वहाँ पे किसी तरह का स्नेक हो गया, चाहे वहाँ पे कैट हो, डॉग हो, और बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो जो भी उसके नियर अबाउट में है, तो इस प्लांट के लिए सारा क्या है, ये पूरा चीज़ जो ये सराउंडेड है इसके चारों तरफ, ये इसका क्या हो गया, तो इस प्लांट का इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर्मिंग, मतलब ये फॉर्मेशन कर रहा है इन्वायरमेंट किसका, तो दिस प्लांट का, ठीक है। तो फॉर्मिंग इन्वायरमेंट ऑफ दिस प्लांट, ये सारे चीज़ क्या कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया इन्वायरमेंट इस प्लांट का। अब इसी तरह से अगर मैं एक यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश किया हूँ कि एक देखिए यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग है, इस ह्यूमन बींग के सराउंडिंग में क्या क्या है, तो देखिए एक एनिमल यहाँ पे जो एकदम प्यारा सा डॉग है, और उसके बाद एक टेबल है, फिर देखिए यहाँ पे पेन है जो कि यूज़ करता है लोग लिखने के लिए, होम जिसमें लोग रहने के लिए यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन जिससे टेली कम्युनिकेशन की चीज़ होती है, ये बातचीत होता है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं।
फिर प्लांट हो गया, फिर यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है, ये देखिए अपना कंप्यूटर है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये ह्यूमन बीइंग जो है ये सराउंडेड होता है ये सारे चीज़ से, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सराउंडेड होता है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से, फिर उनके ये जो है टेबल चेयर, फिर इस तरह से डैग कैट डॉग एनिमल से भी सराउंडेड होता है, पेन से लिखने वगैरह ये सभी सराउंडेड होता है। फिर घर हो गया, फिर गार्डन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, मतलब बस ये मैं बस बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन बस समझाने के लिए मैंने बस इतना का हेल्प लिया हूँ। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, देखिए एक ह्यूमन है बीच में और ये सारे चीज़ क्या कर रहे हैं, इस ह्यूमन को चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इस ह्यूमन का ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट ऑफ दिस बॉय, ये जो बीच में लड़का बैठा हुआ है, इस लड़के का ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। मतलब मैं अच्छी वे में आपको बस समझने के लिए मैं एज ए पिक्चर ये पिक्चर बना के मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ एक लाइन में ही इसका डिफिनेशन बन रहा है कि वट एवर थिंग्स विच सराउंड, जो कि सराउंड करता है उसी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने प्लांट का भी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया, एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया। अब अगला जो है देखिए कि इस इन्वायरमेंट में भी हम लोग क्या देख रहे थे, ये जो इन्वायरमेंट है इसमें लिविंग चीज़ भी देख रहे थे कि इसमें लिविंग चीज़ भी होता है, और दूसरा क्या है तो नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है, जैसे कि ह्यूमन लिविंग थिंग है, एनिमल लिविंग थिंग है, प्लांट लिविंग थिंग है, इंसेक्ट लिविंग है। तो ये चीज़ जो है लिविंग हो गया, इसको लिविंग बोलते हैं, जिसमें लाइफ हो, ह्यूमन में लाइफ होता है, एनिमल में लाइफ होता है, प्लांट में लाइफ होता है, इंसेक्ट में लाइफ होता है। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इसमें लाइफ नहीं होता है, ह्यूमिडिटी है इसमें लाइफ नहीं होता है, हाउस है इसमें लाइफ नहीं होता है, टेबल है इसमें लाइफ नहीं होता है। तो बट ये क्या है, तो इन्वायरमेंट का एलिमेंट है, मतलब ये एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या करता है, ये सराउंड करता है। जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग हो गए तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, ये सारे टेम्परेचर देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी, हाउस हो गया, टेबल हो गया, गार्डन हो गया, फिर किसी एनिमल को देखते हैं, कैट डॉग इधर उधर चलता रहता है, इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए। तो ये सारे चीज़ जो है ये एक ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, सराउंड करता है। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि देखिए जो चीज़ लिविंग होता है उसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड है लिविंग को, क्या है, बायोटिक। और जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग होता है उसको एबायोटिक बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट में आप बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट हो, दो तरह का एलिमेंट होता है या दो तरह का फैक्टर होता है, एक बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है। बायोटिक का मतलब समझना है जिसमें लाइफ हो, मतलब लिविंग, जैसे कि आप ह्यूमन एनिमल प्लांट इंसेक्ट को बोल सकते हैं, ये सारे क्या हैं, बायोटिक हैं। और एबायोटिक में क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, हाउस हो गया, टेबल हो गया। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में का ये दो एलिमेंट, दो फैक्टर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर बायोटिक और एबायोटिक। अब इसके बाद क्या है कि ये जो अभी इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होता है, ये जो इन्वायरमेंट है तो इसमें दो फैक्टर क्या है, एक तो बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर बोलते हैं जो लिविंग चीज होता है उसको, और एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं उसको। तो ये इन्वायरमेंट का दोनों एलिमेंट है, इसी से क्या है, इन्वायरमेंट हमारा बना हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट इसी से फॉर्मेशन होता है। तो अब जो यहाँ पे देखिए ये बायोटिक फैक्टर है और जो एबायोटिक फैक्टर है, इसको लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। लिमिटिंग फैक्टर कैसे बोलते हैं ये हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, समझाएंगे अच्छी वे में, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगले लेक्चर में इसको क्या करूँगा कि लिमिटिंग फैक्टर कैसे होता है, क्यों इसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वर्ड जो है इन्वायरमेंट
आपको मैंने बस बताने का कोशिश की है यहाँ पे। पहला वर्ड इन्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, फिर इससे इस रेगुलर वे में आपका फिर क्या है क्लासेस चलते चले जाएंगे, फिर आपका नया नया वर्ड जो है ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि अभी बायोटिक एबायोटिक आया, फिर लिमिटिंग आया, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट को मैंने डिफाइन किया कि जो कुछ भी चीज़ जो क्या करता है सराउंड करता है, वो सारे चीज़ इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट होते हैं। तो ये देखिए प्लांट का ये सारे इन्वायरमेंट हो गया। तो ये चीज़ है जो कि हम लोग क्लियर हो गया इन्वायरमेंट। अगर किसी को भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है लिमिटिंग फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक, और बाकी जो बेसिक क्लासेस भी चल रहे हैं यूपीएससी का, यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैंने क्लास ये सिलेबस वगैरह पर डिस्कशन कर रहा हूँ, वो भी साथ में चलता रहेगा, उसको भी आप देखते रहिए। और जहाँ पे आपको कुछ वैसा समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए, फिर हम लोग लिमिटिंग फैक्टर से अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में ही पेंड करते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।